सुप्रदानै स्थिरचरणिकरा व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान्ष्टविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद अभी हमने गौड़पादी कारिका में पाया, इसलिए गौड़पादी कारिका के सहित तो मांडव्य उपनिषद के ऊपर विचार करते हुए हम लोग छह मंत्र पूर्ण होने के बाद छह मंत्र के ऊपर कारिकाकार ने जो कारिका लिखा उसके ऊपर विचार किया। छह मंत्र में जरा पहले अभिधान प्रधान दिखाया, पहले अभिधेय प्रधान दिखाया, बाद में अभिधान की प्राधान्यता लिखा। सारा संसार ये अभिधान अभिधेय में ही है, इससे भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार कथन करने के अभिप्राय है कि एक ही प्रयत्न में सबको जो है मतलब यदि निराकरण करना होगा तो एक को निषेध होगा तो सारा निषेध हो जाता है। इस प्रकार से जो है इसको दिखाने के बाद ये तीन अवस्था ही ये ओंकार की तीन पाद है, ओंकार की तीन मात्रा है हमारी तीन अवस्था। इसको दिखाते हुए जागृत अवस्था दिखाया, स्वप्न अवस्था दिखाया, सुषुप्त अवस्था दिखाई, तो उसी को संक्षेप में यहाँ पे गौरपदाचार्य क्या बोलते हैं, बहिष्प्रज्ञ विभूविश्य यंत्रप्रज्ञ स्तुतैर्यस धनप्रज्ञ स्तथाप्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृत दक्षिणाक्षिमुखेर्विश्व मनस्संतस्तुतैर्यस आकाशे च दिधि प्राज्ञा। ऐसा एक बार दो बार बोलते बोलते सरल श्लोक है, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आप मतलब विषय वस्तु अगर इंटरेस्टेड हो ना तो मन अपने आप ही घूमता रहता है, मन अपने आप वहाँ पे घूमता रहता है। तो इसलिए ये भी अपना ये तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो जागृत काल में ये जीवात्मा आत्मा तो पूर्ण व्यापक है, जीवात्मा रूप को मुख्य रूप से दाहिना हाथ में बैठ करके व्यवहार करते हैं। अब ये थोड़ा सा अटपटा जैसा हमको लगता है, ये कैसे होगा तो सारा शरीर में व्यापक, परंतु आप जरा सोचे इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक आप बोलते हैं ऑप्टिक लॉ एलोबी, ठीक है ना। आप अंधा व्यक्ति को भी देखना, उसका इंद्रिय गोलक खराब है परंतु बात करते समय उसका पुतला इधर उधर घूम रहा है। अच्छा एक आवाज़ हुआ यहाँ पे, सबसे पहले कौन इंद्रिय दौड़ेगा, नहीं काम तो सुने के उसको रिसीव करेगा, उसके साथ देने के लिए कौन पहले, कहाँ से आवाज़ आया। आप चलोगे लोगे खाओगे कौन इंद्रिय आपको मदद कर सके सबसे अधिक, वो जीवात्मा इसीलिए यहाँ पे बैठ करके व्यवहार करता है। ये ऑप्टिक प्लॉग विज्ञान भी माना है इसको, और अंधा व्यक्ति को भी इंद्रिय गोलक खराब होता है, ऑप्टिक प्लॉग खराब नहीं होता, इसलिए वो भी देखना बात करते समय उसका देखा ही नहीं पड़ता उसको कुछ, उसका ये पुतला इधर उधर घूमना। ये दक्षिणाक्षी मुनि शास्त्री ने जो बोला विज्ञान उससे बाहर नहीं जा सकता, अभी विज्ञान इसको थोड़ा थोड़ा करके हमारे सामने खोल करके ला रहा है। मन तो हमारे दार्शनिक बोला नारायण के विवाह से आया हुआ है, कैसे जीव ये दाहिने हाथ में बैठ करके व्यवहार करता है उससे बोल रहे हैं, क्योंकि हर इंद्रियों को मदद करने वाला आंख होता है, चलने के लिए देखना पड़ता है, ग्रहण करने के लिए देखना पड़ता है, खाने के लिए देखना पड़ता है, ठीक है ना। और अंधे को भी हमने बोले ऑप्टिक लॉग उसका भी खराब नहीं होता, वो उसी से तो अज्ञेन्द्रियों से वो जो है उसका काम कर लेते हैं, अच्छा पूरा शरीर में व्याप्त होता है। उसके बाद बोला मनस्तु तेजस, मन के अंदर जो है क्योंकि मन इस समय आकर के आत्मा के ही प्रकाश से पूरे व्यवहार करते हैं। ये ध्यान रखना, कुछ वादियों ने मन को अनुपरिमाण माना, कुछ वादियों ने मन को विभु परिमाण माना, वेदांती आत्म मन को मध्यम परिमाण मानता है। फंडामेंटल आपको मन अनुपरिमाण कौन माना, आप देखो नए वैशेषिक दर्शन पढ़े हैं आपने, अनुपरिमाण मन को माना, शांत दर्शन मन को व्यू परिमाण मानते हैं, प्रकृति परिमाण मानते हैं,
वहाँ पे एक मन और पुरुष अलग अलग। न्याय वैशेषिक दर्शन तो अनंत मन, अनंत जीव अनंत मन, किंतु अनुपरिमाण मन। वेदांती मन को शरीर परिमाण मानते हैं, मध्यम परिमाण मानते हैं। इसको इस मन की इस मध्यम परिमाण तक तो समझ नहीं पाने का कारण जैन ने आत्मा को मध्यम परिमाण मान लिया। आपने पढ़ा नहीं अभी विवेक ब्रह्म सूत्र में द्वितीय अध्याय तर्कपाद में जैनवादियों को जो खंडन करते हुए उनका तीन चीज को लेकर के विवाद होता है, आत्मा की स्वरूप, आत्मा की परिमाण को लेकर के। आत्मा की परिमाण अलग अलग वादियों का अलग अलग है। जैन दर्शन ने आत्मा को जो है मध्यम परिमाण माना। क्यों? मन के साथ आत्मा का पूरा व्यवहार होता है, उसको पर दिखाए मन मध्यम परिमाण है, आत्मा तो व्यापक है। तो ये चीज मन के अंदर ये चीज ध्यान रखना, शांत और योग दर्शन आत्मा को, मन को, मन को व्यापक मन होगा, और न्याय वैशेषिक दर्शन मन को जो है अंतर्पण परिमाण। वेदांत दर्शन है हमारा न्याय बी ए, जो पूर्व मीमांसा दर्शन तो इसको लेकर के विचार नहीं किया, वो तो प्रत्येक मन को अलग अलग ही मानते हैं। तभी तक अलग अलग जीव अलग अलग कर्म करते हैं, प्रत्येक मन को अलग मानते हैं, अलग अलग काम करते हैं। वेदांत मन को मध्यम परिमाण मानते हैं, सारा शरीर में मन व्यक्त है, इसीलिए वो तगेंद्रियों के साथ मिलकर किसी भी शरीर में किसी भी स्थान में कोई भी चीज स्पर्श करता है तुरंत हमको। कोई आपका कहे कि अच्छा आपका सिर छोड़ देता, आपका पैर के अंदर एक पिन चुहा दो, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मुझे लगेगा, यानी कि उस पैर में भी हमारा मैपन है ना। तगेंद्रिय के माध्यम से मैपन मतलब फैला हुआ, मैं तो पूरा व्यापक है। और यही मन जो है बाहरी वस्तु ग्रहण करने के लिए इंद्रियों के माध्यम से बाहर भी जा सकते, मन मतलब वृत्ति के माध्यम से। ये मन की है मनस्तु तो तेजस, जा करके क्या करते हैं उस विषय को प्रकाशित करते हैं, उस विषय को प्रकाशित करते हैं। और हृदय आकाश में आकर के ये जो हमारा इंदु अभिदिष्टम तो देखा ना, ये जो दाहिने हाथ में ये पति पत्नी है दोनों जा करके सुषुप्ति काल में एक अपना झिल्ली पर्दा के तरह आवृत होकर के हृदय आकाश में सोता है, हृदय आकाश में जाकर के सोता है। आकाश अभिधि प्राग ये भी ये हृदय आकाश के यहाँ का एक भाव, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, भाष्यकार क्या बोला, जागृत काल में बैठ करके हमें नहीं होता, ये हमें अनुभव में नहीं होता कि हम यहाँ पे बैठ करके व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ध्यान नहीं है। अब देखो यह तो आनंद गिरी जी बोलेंगे किसको ये अनुभव होगा, आपको ध्यान करने के लिए बैठा आपने, आपका कौन सा इंद्रियों को सबसे अधिक स्ट्रेस पड़ता है? माइंड तो एकाग्र करेंगे अपना माइंड को, अब इंद्रियों के मतलब देख रहे आँख के ऊपर अधिक स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि आँख के द्वारा या तो यहाँ अथवा यहाँ अथवा कोई बाहरी वस्तु का प्रयास करते हैं, इसीलिए ध्यान निष्ठ व्यक्ति को देखना आंख लाल हो जाता है, सबसे अधिक आंख के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये जो अब इसको कौन समझ पाएगा, कौन ये आम जो इधर बैठ करके काम कर रहे हैं, ये मन में बैठ के काम कर रहे हैं, जब हमारा मन धीरे धीरे उसके प्रति एकाग्र हो, चाहे आप त्राटक वृत्ति से आपको मन एकाग्र करो अथवा मन आंख को यहाँ लाइए अथवा आपको यहाँ लाइए, तो आपका देखिए कहाँ पे आपको मन एकाग्र करने के लिए किसको ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं आप, है ना। इसीलिए ये जो है ये जागृत कालीन व्यवहार में मैं कहाँ बैठ करके व्यवहार कर रहा हूँ इसको अनुभव करने के लिए अब हृदय आकाश की अवस्था। हृदय आकाश मतलब कि ये जो हमारे बोलते हैं दसवें श्री गुरु मूर्ति है, नवेदम श्री दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्ति कहाँ है क्या है, यहाँ कहते हुए भी जो हमारे गुरु लोग कहते हैं कि हृदय आकाश में दक्षिणामूर्ति बैठे। हृदय आकाश क्या वस्तु, आप देखना कि जब आपको बहुत खुशी होती है अथवा बहुत दुख होता है, मन में भारीपन अनुभव होता है, वो भारीपन क्या है, हम तो हनुमान जी की तरह तो छाई फाड़ के नहीं दिखा सकते, राम जी का बैठे, परंतु वो आप अनुभव कर सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो वो जो होता है वो हृदय आकाश है, जहाँ पे जा करके खुश होते हैं, हृदय आकाश में होता है। तो ये तीन चीज़ को जागृत में बैठ के भगवान भास्कर पहले ही बोल दिया, इस चीज़ को जागृत में बैठ करके इसको आपको अनुभव करना है। इसे बोलना जागृत अवस्थायामेव विषादी नाम त्रयानाम अनुभव प्रदर्शनार्थ, विषादी तीन का अनुभव करने के लिए इस श्लोक लिखना मालूम पड़ गया। इसलिए जागृत में बैठ करके अकेला बैठ करके केवल श्लोक के अर्थ विचार करने के बाद जो बोल रहे हैं उसको मैं थोड़ा समझने का कोशिश करूँ, तो फिर पुस्तक छोड़ दिया, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ बैठ करके पूर्ण आत्मा का व्यवहार तो समझ में नहीं आएगा, जीव कहाँ बैठ करके व्यवहार कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। ये जीव क्यों लेकर के बोल रहे हैं, जीवात्मा को लेकर के बोल रहे, उपहित चेतन को लेकर के बोल रहे, इसी तो उपाधि के साथ दिखाई दे रहे हैं, उपाधि के साथ दिखाई दे रहे। ये फंडामेंटल जो है हमने अर्थ बता दिया तीनों का,
प्रात्रिधा देहे व्यवस्थित, इसी शरीर में वो तीन प्रकार से विद्यमान है, तो तीन प्रकार उपाधि के साथ इस प्रकार व्यवहार करते रहते हैं। अब ध्यान देना, हमारा उद्देश्य क्या है, जागृत में बैठ करके हम सुषुप्ति का अनुभव करेंगे, ठीक है ना, जागृत में बैठ करके सुषुप्ति का अनुभव, सुषुप्ति तक अनुभव करना है हम, जागृत में बैठ करके जागृत का अनुभव तो सामान्य है, जागृत में बैठ करके स्वप्न का अनुभव, जागृत में बैठ करके सुषुप्ति का अनुभव कैसे होगा, जब हमारा आनंद गिरी जी के तो सुंदर समझे बच्चे का भी बताएं कि आइए आप देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि न च एकस्म अवस्थायाम एकस्मिन् एव देहे भिन्नतम आत्मनः तद्वादिभिरपेक्ष्यते, एक ही अवस्था में एक ही शरीर में आत्मा की भिन्नता आत्मा में भेदवान मानने वाले वादी भी नहीं मानते हैं। जागृत अवस्थायाम इति तु देहे व्यवस्थितत्व उक्त विशेषणम्, जागृत वहां पे बोले ना, जागृत अवस्थायाम भाष्यकार बोला, भाष्यकार की पंक्ति में क्या है, फर्स्ट पंक्ति जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में इसी शरीर में आत्मा व्यवस्थित है, और जागृत अवस्था में ही आप उसको समझ सकते हैं, विशेष रूप से जागृत अवस्थायाम इति तु देहे व्यवस्थितत्व उक्ता, वो व्यवस्थित है इसीलिए यहाँ पे जागृत अवस्थाया में विशेषण दिया भगवान भाष्यकार, ठीक है ना, विशेषण तब ही तत्र व्यवस्थितत्व यद आत्मन सर्वगत तत् अभिमानित, वो व्यवस्था क्या हुआ, व्यवस्था से क्या अभिप्राय गया, ठीक है ना, टीका में मिला ना, टीका टीका में फोर्थ पंक्ति थर्ड पंक्ति राइट हैंड साइड राइट हैंड कॉर्नर, तद ही तत्र व्यवस्थित, मतलब यही वही इसका व्यवस्था है, क्या वो जो पूर्ण व्यापूर्ण शुद्ध चेतन आत्मा का व्यवस्था क्या हो गया कि उस समय वो मन के माध्यम से वहां पर अभिमान करने लगते हैं, वहां पर अभिमान आ जाता है, मैं जगा हुआ हूं, मैं सब समझ रहा हूं, ये तो अभिमान है ना परिचिन्न में, उसके यहाँ पे व्यवस्था हो, तद ही तत्र व्यवस्थित, ये व्यवस्थित क्या है, जब आत्मन सर्वगत पूर्ण आत्मा व्यापक है, सर्वगत जो आत्मा व्यापक है, तद अभिमानितम उपाधि के साथ अहंकार देख अंतकरण, जैसे ही अंतकरण प्रतिफलित हुआ पहले ही वो जो अहंकार की वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार की वृत्ति उस व्यापक इसको उस जैसे दर्पण में पूर्ण सूर्य को क्या करते हैं दर्पण में छोटा जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार अंतकरण में जैसे ही वो प्रतिफलित हुआ तो अहंकार के माध्यम से परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न इसलिए हमें बोलते हैं कि तब अभिमानित, तो क्या करता है वो वहां पर अभिमान करने लगता है, परिच्छिन्नता क्या है, ये अभिमानित्व ही परिच्छिन्नता है, ये अभिमानित ही परि आत्मा में परिच्छिन्नता कभी नहीं आया, हमारे मानसिक अभिमान ही हमको परिच्छिन्न जैसे व्यवहार करने लगता, ठीक है ना, ये परिच्छिन्नता को हटाने के लिए जागृत में सुषुप्ति का अनुभव करना पड़ेगा, अपनी व्यापकता का अनुभव करना पड़ेगा, ठीक है ना, तत् ही तत्र व्यवस्थित बोलो वहां पे, तो जागृत व्यवस्थाया व्यवस्थित मतलब क्या है, वो जागृत वो उस स्थान में बैठ कर अभिमान करने लगते हैं, मैं सब जानता हूँ समझता हूँ मैं जगा हुआ हूँ, इस प्रकार को तद अभिमान देता है, देह अभिमान जागृत परम संभवती, शरीर की अभिमान सबसे अधिक जागृत अवस्था में होता है, सुषुप्ति अवस्था में शरीर अभिमान नहीं रहता, स्वप्न अवस्था में ये शरीर पर रहता दूसरा शरीर अभिमान कर व्यवहार, इसलिए प्रबल सबसे अधिक देह अभिमान से जागृत परम संभव होती, इसलिए जागृत स्थान में ही ये अभिमान को छोड़ना है साधन के माध्यम से, जहाँ पर सबसे अधिक है वहीं से आप उसको निराकरण करना है, देह में जागृत परम संभव तेन तस्याम एव अवस्थायाम एकस्मिन् एव देहे त्रयाणाम अनुभवात् तेषां मिथो भेदो नास्ति इति सिद्धति इति अर्थ, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं इस कारण से मतलब जागृत में ही बैठ करके साधन करना है, जागृत काल में आप अपना स्वप्न अथवा सुषुप्ति को प्रतिसंधान भी कर सकते हैं, स्मृति भी होती है उसके, इसलिए बोलते हैं इस कारण से तेन वहाँ भी सबसे अधिक अभिमान होता है, इसलिए तेन तस्याम एव अवस्थाया मतलब जागृत अवस्था में ही एकस्मिन् देहे इसी एक शरीर में त्रयाणाम अनुभव तीनों का अनुभव होता है, ठीक है, ये एक वेदांत का सबसे मुख्य साधन है, वेदांत का मुख्य साधन नहीं, आप मत कैसे बोल रहे हैं, जो हम असाक्ष्य बोल रहे हैं अपना भाष्यकार बोला कि जागृत काल में बैठ करके ये आप स्वप्न अवस्था को पहले सोचो, स्वप्न अवस्था क्या होता है मतलब इस शरीर को छोड़ करके हृदय कल्पित अंग में घूमते रहो जागृत में बैठ करके, मतलब अपने मन से कोई अंग की कल्पना कर कि मैं यहाँ गया, मैं जागृत में बैठ करके सोचिए, यानी कि जागृत में आप स्वप्न देख रहे हैं, इस शरीर के साथ तादात्म्यता छोड़ दिया, जिस शरीर के साथ आप वहाँ पे गए उसी उस शरीर के इंद्रियों के साथ वहाँ के विषय को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्वप्न अवस्था,
ये हो जाएगा आपका स्वप्न अवस्था। विष्णु जी के यहाँ पे बोलते हैं कि तेन तस्याम एव अवस्थायाम एकस्मिन एव देहे त्रयानाम अनुभव, तीनों का अनुभव करना है आपको एक ही शरीर जाकर, तेषाम मिथ भेद नास्ति। इसलिए क्या है, एक ही शरीर में मैं बैठ करके अपना ही तीन अवस्था को देख रहा हूँ, इसलिए आपस में उनका पर मतलब छात्र क्या बोलेंगे आपको, पारमार्थिक भेद नहीं है, उपाधि के कारण भेद की प्रतीति होती है। इसलिए हमें बोलते हैं तेषाम मिथ आपस में भेद नास्ति, एक ही व्यक्ति तीन कपड़ा पहन करके नाच रहा है वो अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है ना। तीन प्रकार की पहले जमाने में एक मोनो एक्टिंग पहले थिएटर जो था ना, वो एक ही व्यक्ति अभिनय करता था, एक ही व्यक्ति अलग अलग ड्रेस पहन के आकर के अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। आजकल भी ड्यूअल लोग कभी कभी होते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति मोनो एक्टिंग, यहाँ भी एक ही मोनो एक्टिंग, एक ही चेतन अलग अलग ड्रेस पहनते सभी शरीर में, एक ही शरीर में सभी शरीर में भी वही है, एक शरीर में भी वही है, क्योंकि हम तो अद्वैतवादी हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं दृश्य मिथ भेद और नास्ति इति सिद्धति इति अर्थे सिद्ध होता है। अब बोलते हैं वहाँ पे देखिए कि जागृत अवस्थाएं में विश्वादिनाम त्रयण अनुभव प्रदर्शनार्थ अयम श्लोक दक्षिणाक्षी, दक्षिणाम अक्षी एवं मुखम, ठीक है ना, दहिना आँखी उसका मुख है, मतलब मुख है। वहाँ पे देखिए मुख शब्द का अर्थ करते हैं मुखम, वो जो भाष्य में है ना दक्षिणम अक्षी एवं मुखम, फिर आपने ही बोलते हैं तस्मिन प्राधान्य, सभी जगह पे है मतलब प्रधान तो वहाँ पे दिखाई पड़ता है डायनाक में। और डायनाक से अभिप्राय क्या है, पुरुष को जनरली राइट हैंड थोड़ा स्ट्रांग होता है, राइट जनरल इन जनरल थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए राइट आई को लेते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मुखम, मुखम मतलब दारम मतलब उपलब्धि स्थानम, है ना, ये जो है ये सब हर चीज की उपलब्धि करने के लिए पहला पार्ट लेते हैं हमारा आँख, पहला पार्ट आपको लेके है। बाजार से आप लकड़ी खरीदो, कपड़ा खरीदो, सब्जी खरीदो, आप हाथ से देखेंगे मतलब आँख ही मुख्य रूप से पहले मदद करेगा आपको बाजार तक पहुंचने के लिए, दुकान तक जाने के लिए, हर काम में आँख की मुख्यता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तस्याम एव अवधाय मुख मुखम दारम उपलब्धि स्थानम शरीर मात्र दृश्यमानस्य कथमिदम उपलब्ध विशेष आयतन उपदिश्यते, भाई शरीर मात्र में आत्मा का पूर्णता को कहता है, चाहे जीवात्मा भी बोलते हैं वो तो हर जगह पे विद्यमान है, अब मुख्य रूप से आँख में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अथवा तो कार्य कर ऐसा क्यों बोला, मुखम दारम उपलब्धि स्थानम शरीर मात्र दृश्यमानस्य, पूरा शरीर में ही तंग चेतन होता दिखाई पड़ते हैं, पूरा शरीर में मैं को उपलब्ध है तो आँख में क्यों बोल रहे हैं, शरीर मात्र दृश्यमानस्य कथम एकदम उपलब्ध हो विशेष आयतन उपलब्धि में विशेष आयतन आँख को क्यों उपदेश किया जाता है, स्थानांतर अपेक्षाया अस्य प्राधान्य, समझ में, अन्य इंद्रिय अथवा स्थान की अपेक्षा से आँख की इस शरीर में प्रधानता है, प्राधान्य, ठीक है, समझ माया कि तस्मिन प्राधान्य न प्राधान प्राथमिक रूप में वहीं पे दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए ना कोई आवाज होगा तुरंत आंख को कहाँ से आए, कोई सुगंध आ रहा है यहाँ बैठ कर तो आंख उधर से विचार करेगा, इसी प्रकार के रस भी आया तो पहले कहाँ से आया, रस का कौन अनुभव किया, ये जो है इस प्रकार विचार करने के लिए कोई चीज को विचार करने के लिए माइंड के साथ आंख का फंक्शन पहले होता है, और कोई इंद्रिय से नहीं दौड़ता, और कोई इंद्रिय से पहले आँख दौड़ते हैं, क्योंकि इसका संभव, क्योंकि इसको बाहर जाना संभव नहीं, यहाँ पे कोई साउंड आएगा तब सुनेंगे, इसको भी आँख आएगा तब हम सुनेंगे, यहाँ भी आएगा तब हम सुनेंगे, मतलब ये जो है दूर जा करके देख ले, इसीलिए इसको मुख्य कहा गया, सब शरीर के व्यवहार के लिए इसको मुख्य होता ही है, किसी चीज में इसको मुख्य होता है। इसीलिए आप बोलते हैं कि मुखम दारम उपलब्धि स्थानम शरीर मात्र दृश्य मानस कथम एकदम उपलब्धि विशेष आयतन उपदिश्य स्थानांतर अपेक्षा अस्य प्राधान्य इति आह। फिर वहाँ पे भगवान भाष्यकार क्या बोला, दृष्टा स्थूलानाम दृष्टा स्थूल स्थूल वस्तु को देखता है, स्थूल विषय को देखते हैं, और वहाँ पे बोलते हैं कि दृष्टा बोला दृष्टा अनुभूयते, ये बोल रहे से हमें तो अनुभव में नहीं आता कि मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ, हमें लगता है कि हम तो लगता है हम पूरा शरीर में है, क्योंकि आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आनंद गिरी जिसके लिखता है अनुभूयते ध्यान निष्ठेय रीति शेष, ये मतलब आप ध्यान करते समय देखो आपका कौन इंद्र को सबसे अधिक स्ट्रेस आ रहा है तब पता लगेगा, और आप ध्यान मतलब मन को आप ठीक से एकाग्र कर पाओगे कि कहाँ कहाँ बैठ करके व्यवहार हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे अधिक व्यवहार,
ठीक है ना। इसीलिए आनंद गिरि जी बहुत सुंदर मदद की हमको, अनुभूयत है हमको तो सबका शरीर में पूरा व्यवहार होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो मैं बैठ के काम, मैं तो शरीर ही हूँ, तो बाहर शरीर से भिन्न मानता ही नहीं है, मैं शरीर से भिन्न मानता हूँ, मैं कहाँ बैठ के काम करता हूँ, मैं इस कैलाश आश्रम की इस कुछ से मैं भिन्न हूँ, तो जब यहाँ पे रहते यहाँ बैठ के काम करते हैं। इसी प्रकार से ये जीव वो कहाँ बैठ के मुख्य रूप से काम करते हैं, उसका ऑफिस कहाँ है, कैसे अनुभव करेंगे, थोड़ा ध्यान निष्ठ, थोड़ा एकांत में मान चाहिए। ये ध्यान निष्ठा मतलब योगियों को देखना, इसलिए आंख लाल होती है और ध्यान करने का शुरू शुरू में प्रयास करें तो देख आंख मिला लिया जाएगा जो व्यक्ति करता है। क्यों, आप जैसे पहले तो एक तो यहाँ यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, अथवा मान लीजिए आप मुद का भी कर रहे हैं, कहीं मन गया तो पहले आपको जो है आंख में स्ट्रेस आता है थोड़ा सा, अथवा दूसरी बात क्या है, नींद ना आ जाए। ध्यान करते समय एक बहुत बड़ा शत्रु है, ऊँगने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि पूरा नहीं बंद करना आपको, थोड़ा सा खुला रखें, थोड़ा सा खुला रखने के लिए आपको क्या टेंशन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको कि ध्यान निष्ठिक शब्द कितना इम्पोर्टेंट बोला अनुभवी यहाँ पे। ये यदि आप अपनी मतलब जीवात्मा कहाँ बैठ करके काम कर रहा है इस शरीर में आप समझना चाहते हैं, तो यू हैव टू पे अटेंशन इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी, तब आपको पता लगेगा मुख्य फंक्शन कहाँ से होगा, और ध्यान निष्ठ होना पड़ेगा, मन को एकाग्र करने का कोशिश करो, तब जाकर ठीक है ना। मैं बोला ना कि आप ये जो मांडव को कारिका आपको इतना परफेक्ट स्पेसिफिक बता देगा कि आपका साधन क्या है, कैसे चलो, आपको सीधा सीधा बताएगा। शब्द अर्थ एक है और शब्द अर्थ को अनुभव करने के लिए प्रयास उससे अधिक चाहिए, और तब जो बोध होगा ना, आप देखना कि शब्द से बाहर है, तब जो बोध है वो शब्द से बाहर है। अनुभूयते ध्यान निश्चय इति शेष, ये जो ध्यान निष्ठ व्यक्ति के द्वारा ये अनुभव में आता है, अतः भगवान ने बताया कि यहाँ पे जो बैठ करके जो काम करते हैं आत्मा मुख्य रूप से, इस विषय में श्रुति प्रमाण दे रहे हैं उच्च ब्राह्मण को लेकर, वहाँ भी ऐसे कहा गया, उक्ते अर्थे श्रुति संवादयति, जिस चीज को यहाँ पे कहा भगवान भाष्यकर ने, क्योंकि भगवान भाष्यकर के कोई भी स्टेटमेंट विदाउट रेनफोर्समेंट ऑफ श्रुति नहीं है, श्रुति वाक्य के द्वारा पुष्ट किया हुआ वाक्य ही भगवान भाष्यकर बोलते हैं। इसलिए ये जो बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र है, तो हम क्या है बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण द्वितीय कंडिका, बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र को कंडिका बोलते हैं, द्वितीय कंडिका। इंधो हवै नाम एषो जो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः, ठीक है ना, ये श्रुति वाक्य वहाँ पर उद्धृत कर दिया, ये उसका निश्चित ही उसका नाम है इंध। हम ईंधन किसको बोलते हैं, ईंधन हाँ मतलब जो जलते हैं, जो जलने में मदद करता है, जलते हैं प्रकाशशील वस्तु को ईंधन बोलते हैं, प्रकाश मदद करने वाला, तो इसी यहाँ पे इसका नाम है इंध। इसी को परक्ष प्रिया ही देवा, इसी को दूसरे नाम से इंद्र मतलब परमेश्वर उसको कहा जाता है। वो दक्षिण अक्षण पुरुष और दाहिने आँख में जो पुरुष बैठ करके व्यवहार करते हैं उसका नाम है इंध, परंतु उसको इंद्र कहा जाता है, ऐसा कोई आया है उपनिषद के मंत्र है ये, परक्ष प्रिया ही देवा, देवता लोग ऐसे प्रकार छोटे नाम से परक्ष रूप में बोलने से पसंद करते हैं, इसलिए उसको इंद्र नहीं बोलते, इंद्र बोला जाता है। इति श्रुति, अब अपने आप इसके अर्थ को लिख रहे हैं, तो इसी टीका का लिख रहे हैं बृहदारण्यक श्रुति उदारिताया तात्पर्य, जो उदाहरित जो बृहदारण्यक श्रुति है उसमें तात्पर्य क्या है, क्यों भगवान भाष्यकर इसको उद्धृत किया है यहाँ पे, तात्पर्य अभिप्राय क्या है, ठीक है ना। बृहदारण्यक श्रुति, ये बृहदारण्यक श्रुति का उदारिताया जिसको उदाहरण किया गया दिया गया है, तो उदारिताया में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए, बृहदारण्यक श्रुति का षष्ठी, श्रुति का तात्पर्य क्या है, इस श्रुति का तात्पर्य क्या है, उदाहरित होता उदाहरण के रूप में दिखाया गया है जो बृहदारण्यक श्रुति उसका तात्पर्य क्या है, षष्ठी एक वचन उदाहरित आया तात्पर्य, उसका तात्पर्य कहते हैं क्या बोलते हैं, इंध, इंध मतलब क्या हो गया, दीप त्रिगुण प्रकाशशील वस्तु होता है, इंध मतलब कहते हैं प्रकाशशील वस्तु, जानने में मदद करते हैं, अपने आप भी जलते हैं, दीप त्रिगुण, और वो कौन है, वैश्वानर। देखिए इंद्र आपके शरीर में जो, क्योंकि वैश्वानर कहाँ पे दिखा है आपको, किसका नाम है वैश्वानर, जागृत अभिमानी चेतन, वही वैश्वानर जो है आपका अपने सारा शरीर को गर्म रखने के लिए आपको जठर रखने में उसका नाम है वैश्वानर।
तो इसीलिए वो अग्नि मुख्य रूप से ट्रांसमिट होता है हमारे पास। सारा मतलब तेजस द्रव्य का सोर्स है सूर्य, पेड़ पौधा लकड़ी क्लोरोफिल सब वहां से आता है। इसीलिए आजकल सारा सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये तो हमारी पहली बोल करके गए, देखो लिख रहे भगवान भाष्यकर, इंद्र दीप्ति गुण वैश्वानर आदित्य अंतर्गत है ना। ये तेज कहाँ से आया? अथवा ये जो आदित्य अंतर्गत अधिदैविक पुरुष है वही इस आंख में बैठ करके व्यवहार करते हैं। ये भी भिन्न नहीं, ये भी बोलेंगे यहाँ पे, मतलब आध्यात्मिक और अधिदैविक पुरुष में भिन्नता नहीं है। इंद्र दीप्ति गुण वैश्वानर आदित्य अंतर्गत, वैराज जो आदित्य के अंदर बैठ करके उसका स्थूल शरीर विराट रूप है, और अपनी आंख में बैठ करके उसका स्थूल शरीर एक परिच्छिन्न रूप है, ऐसा दिखाई पड़ता है, परंतु है दोनों एक ही। चक्षुषी च दृष्टा एक, और हमारे आंख में जो देखने वाला पुरुष है और आदित्य अंतर्गत जो परमात्मा अथवा हिरण्यगर्भ पुरुष है वो दोनों एक ही है। दोनों की वही जो है सारा तेज का सोर्स है, इसलिए उसको इंद्र कहा गया। सारा गर्माहट का सोर्स है। आपका शरीर में वैश्वान पेट में रहता है ना, मृत्यु का समय होता है, पहले आपका पैर के नीचे से ठंडा होने लगता है, ठीक है ना, पैर ठंडा हो गया, फिर थोड़ा ऊपर आया घुटना जहाँ घात लगाया, फिर पेट ठंडा हो गया, पेट ठंडा होते ही हृदय का जो है सारा बंद हो जाता है। और आँख का तो अपना जो होता है नर्व होता है उस देख के पता लगता है कि पहले बंद होता है, फिर धीरे 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 शरीर पहुँच जाए। इसलिए ये जो वैश्य तेजस द्रव्य के द्वारा वैश्वान है और आदित्य अंतर्गत तेज के साथ मिलकर के फंक्शन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे देखिए आपका छांद उपनिषद में आया हुआ है कि आदित्य का किस समय का तेज किस समय की जीव को अनुग्रह करता है। ऐसा आपके पास सप्त भक्ति किसमें सुख सबसे पहला लाभ उठाते हैं चिड़िया लोग, दूसरे में लाभ उठाते हैं मनुष्य लोग, तीसरे में लाभ उठाते हैं चौथे में तो देवता लोग, जिस समय सबसे 12 बजे के समय होते हैं, और अंतिम समय में पशु लोग जो घर में वापस आते हैं। इस प्रकार हमारे पास सात भक्ति शाम में सूर्य की किरण से कौन किस प्रकार लाभ उठाते हैं, शरीर को कैसे गर्माहट प्रदान करते हैं, जिस प्रकार ये इसके बिजली के अंदर गर्माहट है, परंतु कैसा इफेक्ट होगा कोई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, हीटर लगाएंगे तो गर्म होगा, बिजली के अंदर ठंडा करने का भी सामर्थ्य है, कैसा इफेक्ट होगा फ्रिज के माध्यम से, बिजली के अंदर प्रकाश सामर्थ्य में कैसा इफेक्ट होगा लाइट के माध्यम से। आत्मा के अंदर इट्स द यूनानिमस मस ऑफ एनर्जी, इसके अंदर हर चीज अभिव्यक्त, इसके अंदर हर एनर्जी बैठा हुआ है। अभिव्यक्त तो कैसे होगा, जब पेट के अंदर रहेगा तो गर्म रूप में अभिव्यक्त होते हैं, मिश्रण अभिव्यक्त होता है, यहाँ बैठ कर के प्रकाश रूप में अभिव्यक्त होते हैं, अग्नि के माध्यम से लाइट एनर्जी के रूप में। ये इसके साथ इस प्रकार से यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अनुभूयते ध्यान निष्ठे इति शेष उक्ते अर्थे श्रुतिम संवादति इंद्र बृहदारण्यक श्रुतेर उदारिताया तात्पर्य मह इंद्र इत्यन्य तात्पर्य का इंद्र मतलब दीप्ति गुण प्रकाश प्रकाश गुण संपन्न तेज गुण संपन्न, प्रकाश के अंदर तेज भी छुपा रहता है, यहाँ कहीं प्रकाश वहाँ तेज भी होगा, ट्यूब को पकड़ पता लगेगा गर्म है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं वैश्वानर आदित्य अंतर्गत, वो जो विराट पुरुष आदित्य के अंदर बैठा हुआ विराट आत्मा, और हमारे वैश्वानर जठराग्नि है ना, वैश्वान अधिकरण आया हुआ है आपके पास ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय वैश्वान अधिकरण द्वितीय पद में आया हुआ है, सातवां अधिकरण होगा वैश्वान अधिकरण, तो वहाँ पे विराज आत्मा और उस तो वहाँ पे जो बैठा हुआ है और जो यहाँ पे बैठा हुआ है कि दोनों पुरुष एक ही है, दोनों एक ही पुरुष है, वहाँ वो तो विराट है पूरा भरा है, ये तो एक छोटा था, ये कैसे एक होगा उसको उठा जो सबका बहुत उठा रहे कितना देवता है 3,306, फिर उसके लेकर कहाँ पे लाया एक देवता हिरण्यगर्भ, वो एक ही देवता का विकास है, वो हिरण्यगर्भ भी किसका है परमात्मा का मतलब ईश्वर का, ईश्वरी मतलब बीज अवस्था को छोड़ करके जब अंकुरित अवस्था में आता है उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। एक ही ईश्वर को जब बीज रहित है तो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म, वही बीज के साथ है माया उपाधि के साथ ईश्वर अंतर्यामी आकाश इसी प्रकार बोलते हैं साक्षी इस प्रकार बोलते हैं, वही जब थोड़ा अंकुरित अवस्था में आता है तो उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आदित्य मंडल देवतात्मक पुरुष है, वो परमात्मा ही है और परमात्मा ही यहाँ पे भी बैठा हुआ है। हम बोलते हैं आदित्य यहाँ पे अनुग्रहित करते हैं, कैसे अनुग्रहित करते हैं,
आदित्य के द्वारा अनुग्रहित नहीं होगा तो आंख देख नहीं पाएगा, क्योंकि आदित्य अंतर्गत पुरुष यहाँ बैठ करके थोड़ा परिच्छिन्न में प्रतीति होते हैं, परंतु पूर्णत्व पुरुष उसको पूर्णच्छिन्नता कभी होता ही नहीं है। उसको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए आगे और बोलते हैं कि हाँ टीका में देखिए, वैराजस्य आत्मनः यथत्व गुणवत्त अपि दृष्टुश्च चक्षुषस्य किम् आयतम् इति आशंका आह। ठीक है, जो विराट पुरुष है वैराजस्य आत्मनः, जो विराट आत्मा है वैराजस्य आत्मनः यथत्व गुणवत्त, जो गुणवत्त दीप्ति गुणवत्त, दीप्ति गुणवत्त अपि क्या बोलो वहाँ पे इंद्र दीप्ति गुण वैश्यानर आदित्य अंतर्गत वैराज। ठीक है ना, सर बोलते वैराजस्य मतलब विराट के साथ संबंध रखने वाला, देखिए विराट के साथ संबंध रखने वाला चेतन, इसलिए तद्धित किया यहाँ पे विराज, उसका तद्धित हो गया। और उसका षष्ठी वैराजस्य अनुप्रत्यय होकर के तद्धित है, उसके बाद जो है वैराजस्य आत्मा माने विराट आत्मा का यथत्व गुणवत्त अपि, यथत्व गुण मतलब दीप्ति गुणवत्त अपि, दीप्ति गुण वाला होते हुए भी दृष्टु चक्षुषस्य, चक्षुष में चक्षु में रहने वाले जो दृष्टा पुरुष है उसमें क्या लाभ हुआ, किम आयातम इति आशंका है, चक्षुष जो दृष्टा एको वहाँ पे जो बैठा हुआ है और यहाँ जो बैठा हुआ है दोनों एक ही पुरुष है, वो भिन्न वस्तु नहीं है, इसको दिखाने के लिए। और यही जो है शरीर की गर्माहट भी, जब तक हम बोलते हैं भोजन से हमको गर्माहट होता है, परंतु भोजन में कहाँ से आया ये जो देखिए आप हम लोग पंचदश अध्याय बोलते हैं, जब आप खेत में बीज को बोते हैं, खेत में उस बीज में जो पुष्टियात्मक रस आता है सोमभूत रसात्मक आदित्य फल बनकर उसको पकाते हैं, आदित्य का जिस प्रकार कोई वस्तु को पानी को हम पकाते हैं थोड़ा जो है सूख जाता है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ड्राई अप होकर के, ऐसा ही जो पुष्टियात्मक रस चंद्रमा के अंदर से वहाँ पे खेत में मतलब औषधि वनस्पति में आया, सभी औषधि वनस्पति उसको पकाते हैं आदित्य, और उसी के माध्यम से शरीर में जाकर के आदित्य सूर्य शरीर को गर्म करता है। हमको यहाँ पे ज्ञात दिखता है परंतु वास्तविक ज्ञात नहीं है कुछ, क्योंकि हमारे दृष्टि का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैराजस्य आत्मन गतत्व गुणवत्त्यपि दृष्टु चक्षुषस्य किम् आयतम् इति आशंका चक्षुषी च दृष्टा एको, दोनों जगह पे एक ही दृष्टा पुरुष अध्यात्म अतिदैवयो एकत्वात् अधिदैविक गुणश्चाक्षुषे अपि आध्यात्मिके संभवति, क्योंकि आध्यात्मिक पुरुष अधिदैविक पुरुष एक होने के कारण अधिदैविक में जो गुण है वो गुण यहाँ भी होगा, इसीलिए ये भी दीप्तिमान है, दीप्ति गुण है, इसलिए इंद्रिया प्रकाशित होती है, विषय को प्रकाश करने में समर्थ होते हैं, आदित्य सारे संसार को प्रकाश करते हैं, उसी आदित्य के प्रकाश के प्रकाशित होकर के ये विषय को प्रकाशित करते हैं, ये विषय इसलिए आप बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ होना संभव है। अध्यात्म अधिदैव और एकत्व अधिदैव को गुणश्च चक्षुष अपि आध्यात्मिक संभव इति अर्थ। अब हो गया उक्तम एकत्वम अक्षिमति, ये जो है आपने बोला अरे वो विराट पुरुष है पूर्ण है व्यापक है, आंख में तो परिच्छिन्न पुरुष दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों एक कैसे हो सकता है, ये दोनों कैसे हो सकता है, इसके ऊपर आक्षेप उठा रहे हैं। उक्तम एकत्व, ये जो आपने एकत्व दिखाया, क्या दिखा, अधिदैविक और आध्यात्मिक पुरुष में जो आपने एकत्व दिखाया वो एकत्व के ऊपर आक्षेप करिए कैसे हो सकता है, है ना, आक्षेपति ननु ननु अन्न हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ दक्षिण अक्षि अक्षिणोर नियंता दृष्टा च अन्न देहस्यामी ये स्वामी। ठीक है ना, बोलते हैं हिरण्यगर्भ एक भिन्न वस्तु है, पूरा सृष्टि का अंकुर अवस्था विराट शरीर है उसका, विराट शरीर अन्न हिरण्यगर्भ, और दूसरा है क्षेत्रज्ञ दक्षिण अक्षिणी अक्षिणोर नियंता, एक क्षेत्र शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, एकदम शरीरम कौन तो क्षेत्र में अभिधीयते एवं जो व्यक्तित्व प्राप्त उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, और वहाँ पे अगले जो एकत्र सर्व क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भाव, इसलिए क्षेत्रज्ञ एक ही है क्षेत्र बने, तो यहाँ पे क्या दिखता है क्षेत्र को अलग अलग है, वो तो विराट है तो परिच्छिन्न है। अब ये एकत्व भगवद गीता में सृष्टि किया, और यहाँ भी वही बोलते हैं ननु अन्न हिरण्यगर्भ और क्षेत्र जो है दक्षिणा में बैठा हुआ जो बात आपके यहाँ व्यवहार कर रहे हैं डाइना हाथ में बैठ करके जो व्यवहार करते हैं और क्या करते हैं, और डाइना हाथ की नियंत्रण भी वही है, दृष्टा जो अन्न वो जो दृष्टा पुरुष होते भिन्न है वो शरीर का मालिक है, वो शरीर का मालिक है, देहस्वामी देहिना जिसको बोलते हैं देहस्वामी जो जीवात्मा, वो यहाँ पे एक जीवात्मा वहाँ पे एक जीवात्मा ये अलग अलग है, ये एक नहीं है,
बोलते ये जो आपको अलग दिखर की प्रतीति होती है वो उपाधि के कारण प्रतीति होती है, वास्तविक आत्मा चाहे जीव बोलो चाहे पर बोलो दोनों उपाधि हटा दो आत्मा एक ही है। जीवत्व में और परत्व में एकत्व नहीं है, परंतु आत्मा में एकत्व है। घटाकाश और महाकाश जब हम बोलेंगे वहां पे एकत्व नहीं है, परंतु आकाश एक है, वहां पे घट पट दोनों हटा दो। ननु अन्य हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ, हिरण्यगर्भ अलग है, क्षेत्रज्ञ दक्षिण अक्षिणी अक्षिणोर नियंत्रक दाहिना आंख में बैठा हुआ है, आंख का नियमन करने वाला है, और दृष्टा पुरुष जो वो तो भिन्न है, दिल का मालिक है वो, ऐसा शंका हुआ। ठीक है ना, शंका को लेकर समझा रहे हैं, इस शंका को टीका का समझा रहे। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म टीका में आ जाइए, टीका में ठीक है ना, पेज 30 में कैलाश पुस्तक में ये थोड़ा सा जो है इधर उधर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल अंतर्गत सूक्ष्म समष्टि देह लिंगात्मा, ठीक है। हिरण्यगर्भ कौन है देखिए, हम स्पष्ट करके समझा दिए। हिरण्यगर्भ कौन है? सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी, सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन, सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ, ठीक है ना। वो उसका उसका बैठने का स्थान कहाँ है? दफ्तर का है उसका, सूर्य मंडल, ये पक्का है सूर्य मंडल, व्यापक नहीं है कोई। हेलो, जब समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, आप ये आपका इस शरीर में व्यापकता है कि नहीं है, केवल इतना मानो, जीव का इससे व्यापकता है, उसका वो व्यवहार स्थान उसका कहाँ पे है? यहाँ बैठ के व्यापक करते हैं। भारत की प्रधानमंत्री सारा देश में उसका राज चलता है, कहाँ बैठ के व्यवहार करते हैं? दिल्ली में बैठकर। ये आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री के शरीर को लेकर के नहीं समझना, प्रधानमंत्री का पावर को लेकर के समझो, ठीक है ना। ये सूर्य शरीर में नहीं है, ये हर चीज को आप जो वेदांतों ने बोला आप उसी को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी है ये लॉजिकली एप्लीकेबल एप्रिहेंसिबल, यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। इसमें आप बोलते हैं कि हिरण्यगर्भ सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल अंतर्गत सूक्ष्म समष्टि देह, ठीक है ना, समष्टि सूक्ष्म से अभिमानी चेतन लिंगात्मा बोलते हैं उसको, लिंग शरीर भी बोलते हैं, समष्टि लिंग शरीर। और चक्षुर गोलक अनुगत इंद्रिय अनुग्रह को संसारिण अर्थांतरम, और चक्षु गोलक में अनुगत है जो इंद्रिय अनुग्रह, जो इंद्रिय को चक्षु इंद्रिय को अनुग्रह करते हैं। गोलक इंद्रिय, इंद्र का अधिष्ठात्री देवता तीन है यहाँ पे, ये जो दक्षिणाक्षी मुखे दो वो गोलक को भी नहीं लेना है, देवता को भी नहीं लेना है, वो जो इंद्रिय धर्मों वाला जो है उसको लेना है। गोलक गोलक एक गोलक में तो बैठ उसका आसन हो गया, परंतु जो व्यवहार करने वाला है वो यहाँ पे ग्रहण नहीं है। इसलिए बोलते हैं चक्षुर गोलक अनुगत, चक्षुर गोलक के अंदर रहता है इंद्रिय अनुग्रह, जो इंद्रिय का अनुग्रह करते हैं वो संसारी अर्थांतर जीवात्मा, जो जिस इंद्र व्यवहार करता है वो संसारी जीव है, वो एक भिन्न विषय है, वो एक भिन्न विषय है। वहाँ पे लिंगात्मा में कहाँ कर देना, दोनों को कहाँ कर, हिरण्यगर्भ और जीवात्मा इन दोनों में क्या भिन्नता कर रहे हैं? जीवात्मा में हिरण्यगर्भ सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल अंतर्गत सूक्ष्म समष्टि देह लिंगात्मा कौन, और चक्षुर गोलक अनुगत इंद्रिय अनुग्रह संसारी अर्थांतर। विराट आत्मा अपनी स्थूल प्रपंच अभिमानी, दूसरी बात क्या है, विराट आत्मा क्या होता है? विराट पुरुष स्थूल प्रपंच के अभिमानी है, पूरा स्थूल शरीर का अभिमान करने वाले हैं। विराट आत्मा अपनी स्थूल प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल आत्मा को, स्थूल प्रपंच का यदि एक साथ देखना चाहते हैं पूरा कौन सा चीज पिंड पूरा व्याप्त है, वह सूर्य मंडल प्रकाश किरण के माध्यम से पूरा शरीर पूरा सृष्टि में व्याप्त है। सूर्य मंडल का जो किरण के माध्यम से एक जगह भी दिखता है, और किरण के माध्यम से पूरा शरीर पूरा सृष्टि में व्याप्त सबको प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि विराट आत्मा अपनी स्थूल प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल आत्मा को समष्टि देह चक्षुर गोलक दय अनुग्रह तत्व अर्थांतर में, ये विराट पुरुष में भी ये भी भिन्नता है। विराट पुरुष अलग है और इस शरीर में रहने वाले व्यवहार करने वाले पुरुष अलग है, जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर अलग है। पर वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यष्टि कभी भी समष्टि को छोड़ करके नहीं रह सकता। एक पूरा चित्र कपड़ा में चित्र बनाया, उसी कपड़े चित्र में ही आपने एक व्यक्ति को देखा, अभी कपड़ा पहना हुआ है, परंतु उस व्यक्ति की जो वहां पे दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति के जो कपड़ा पहना हुआ वो किस कपड़े के ऊपर आश्रित है? वो मूल कपड़े के ऊपर आश्रित है। मूल कपड़ा अगर नहीं होता तो आप जब अलग व्यक्ति कपड़ा पहना आपको नहीं दिखाई पड़ता वहाँ पे मूल कपड़ा। इसी प्रकार ये जो समष्टि के ऊपर जो व्यष्टि दिखाई पड़ता है वो व्यष्टि कभी समष्टि को छोड़ करके नहीं रह सकता।
पंचशिका ने बहुत सुंदर समझा है इसको। यहाँ पे बोलते हैं विराट आत्मा अपि विराट पुरुष भी स्थूल प्रपंच अभी माने जो स्थूल प्रपंच में विमान करने वाले हैं और सूर्य मंडल आत्मा को, मतलब देखिए सूर्य पिंड मंडल आत्मा को पूरा विराट शरीर को लेकर के बोलते हैं मंडल आत्मा को समष्टि देव समष्टि शरीर में अभिमान करने वो कैसे चक्षु वहाँ पे कमा करके देह चक्षु गोलक द्वय अनुग्रह को किसका अनुग्रह करता है दो चक्षु गोलक को अनुग्रह करते हैं चक्षु रूप देखने के लिए दक्षिणे चक्षुषी व्यवस्थित यहाँ पे ऊपर देखिए नरु हिरण्यगर्भ और विराट पुरुष का व्याख्या कर दिया ठीक है। सूक्ष्म स्थूल शरीर दोनों को लेकर के सूक्ष्म शरीर में मानी चेतन हिरण्यगर्भ और विराट स्थूल शरीर में विराट ये बोलते हैं यहाँ पे कार्य करण स्वामी ताभ्यम समष्टि देहाभ्यम वो जो दो समष्टि शरीर है एक सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर अन्न अभ्युपगम्य तो भिन्न है व्यष्टि भिन्न है। अरे ये शंका करने वाले बोलते हैं यहाँ पे देखो ना भाष्य का लिखा ननु करके है व्यवहार करता है विश्व मंगल शरीर में बैठ कर के व्यवहार करे लेकिन यहाँ बैठ करके मुख्य सब पूरा शरीर में ही चेतन व्याप्त है परंतु व्यवहार करते हैं मुख्य रूप में यहाँ बैठ करके ये नहीं की व्यवहार करते समय वो यहाँ पे नहीं है आत्मा वहाँ भी है क्योंकि आप जब किसी को लिख रहे हैं इस समय आपका पैर में कोई मच्छर काटे तुरंत आपको हमें हाथ चला जाता है आप कुछ बैठ कर पढ़ लिख रहे हो पैर में मच्छर काटा तुरंत हाथ जाएगा आपको तो इसका एकत्व प्रजापति विराट के साथ विराट के साथ होना चाहिए विराट के साथ इसका एकत्व है और तेजस का हिरण्यगर्भ हाँ तेजस का हिरण्यगर्भ के साथ एकत्व है तो यहाँ पर तो दक्षिणाक्षी मुख का हिरण्यगर्भ के साथ नहीं नहीं दक्षिणाक्षी मुख बोल करके स्थूल शरीर चेतन आश्रित होकर के व्यवहार करते हैं वो चेतन कहाँ बैठ करके स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है उसको लेकर के यहाँ पे बोल रहे हैं वो चेतन कहाँ बैठ करके मन संतस्तुत है चेतन एक ही है चेतन अलग अलग नहीं है ये आप अलग अलग सोच रहे हैं चेतन एक ही है एक ही इसी स्थूल शरीर में व्यवहार काल में जब जिस समय जागृत काल में स्थूल शरीर को लेकर के अधिक व्यवहार करता है उस समय वो डायनाक में स्वप्न काल में जिस समय मन को लेकर के व्यवहार करता है उस समय मन में चित्त के साथ लेकर के और जब गहरी नींद में जाते हैं उस समय वही चेतन तत्व ये ध्यान रखना वो चेतन तत्व क्या है सामान्य अवस्था में पूर्ण व्यापक है अभिमान अवस्था में परिच्छिन्न है ये अभिमान अवस्था को लेकर के बोलना बार बार बोलना अभिमान अभिमान अवस्था को लेकर ये जो यहाँ गोलक में अभी द्वय बोल दिया इस लाइन में विराट आत्मा अपि वाला इसमें द्वय कहाँ पे ये जो लाइन है ना विराट आत्मा अपि स्थूल प्रपंच अभिमानी विराट आत्मा स्थूल प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल आत्मा को समष्टि देह चक्षु गोलक ये चक्षु गोलक दो दो कान है आपका
दो कान में यदि यहाँ पे दिशा देवता बैठा तो इस कान में भी दिशा देवता बैठ कर करते हैं। आवाज सुनाई दिया तो आपका आंख पहले सोचे क्या केवल दाहिना आंख ही जाता है क्या, दोनों आंखें पहले जाए, बस यही अभिप्राय है। वो बस अभिप्राय से यहाँ पे ये चक्षु गोलक दो गोलक दिखाई पड़ते हैं, दो गोलक है परंतु इंद्रिय दो है क्या, इंद्रिय एक ऐसे दोनों को मदद करने वाला जो अधिष्ठात्री देवता भी एक है, गोलक दो है, बैठने का स्थान को लेकर जो बोला जा रहा है। इसको पहले दिन आपका कई क्लैरिटी आ जाएगा, जो डाउट हमारा फंडा होता है ना सारा ठीक से धर्म मतलब धीरज के साथ परिअर्थ के साथ आपको समझ में पूरा आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं विराट आत्मा अपी, विराट मतलब स्थूल शरीर अभिमानी चेतन, इसलिए बोलते हैं स्थूल प्रपंच अभिमानी, वो भी सूर्य मंडलात्मक। देखिए वो आपको क्या है, एक है सूर्य मंडल के अंदर अभिमानी देवता और एक है मंडलात्मक स्थूल, एक मतलब विराट पुरुष और समष्टि देव, वो समष्टि शरीर है। और वही चक्षु गोलक ये चक्षु गोलक स्थूल है, चक्षु गोलक स्थूल है, ये दोनों चक्षु गोलक के अनुग्रह कर तत् अर्थांतर मुझसे भिन्न होना चाहिए। पूर्ववादी बोल रहे हैं हमारे सिद्धांत नहीं है ये, मतलब समष्टि सूक्ष्म और समष्टि स्थूल शरीर को दिखा करके अब व्यष्टि में आया, समष्टि सूक्ष्म और समष्टि स्थूल हिरण्यगर्भ और विराट, अब व्यष्टि क्षेत्रज्ञ स्थूल, क्षेत्रज्ञ कौन है, व्यष्टि देव, क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र को जानने वाला जीवा, ठीक है जीवात्मा कही लोग, वो व्यष्टि शरीर परिच्छिन्न शरीर, दक्षिण चक्षु ऊपर दाहिना आंख है, देखो यहाँ पे बोले ना दोनों का अनुग्रह करते हैं ऊपर तो मुख्य रूप से व्यवहार यहाँ पे बोले दक्षिण चक्षु व्यवस्थित दृष्टा, कि दृष्टा की हम एक हाथ दो आंख आपका फंक्शन कर रहा है कि आप एक हाथ बंद करके देखते हैं क्या, दृष्टा पुरुष दोनों में बैठा हुआ है, दृष्टा चक्षुष चक्षुष आप देखिए अक्षनोर बैठे जो आंख पर उसका अर्थ हो गया चक्षुष, कर्णानाम नियंता केवल एक नहीं, वो जो जीवात्मा बैठा हुआ है ना आंख में प्राधान्य होता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है सभी इंद्रियों का नियंत्रण है वो, हमारा समझ में ना सभी इंद्रियों का नियंत्रण है वो वहां पे। अब नियंत्रण कैसे करते हैं, अलग अलग देवताओं को रूप धारण करके, बस इतना ही तो, एक ही व्यक्ति है वो, एक ही व्यक्ति अलग अलग देवताओं के रूप धारण करके समस्त इंद्रियों का नियमन करते हैं, उसको मदद करते हैं। चक्षु कर्णानम, कर्णानम मतलब तत् उपलक्षणी कृत कर्णानम, देखिए चक्षु उपलक्षण है सारा इंद्रियों का ही उपलक्षण, मतलब अपने को बोध करा कि अपने सजातीय वस्तु का बोध कराता है उसको उपलक्षण बोलते हैं। चक्षुरादि इंद्रिय मतलब चक्षु को बोला समस्त इंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा और समस्त इंद्रियों को ये नियंता नियमन करने वाला, कार्य करण स्वामी, कार्य करण संघात का मालिक, कार्य हो गया स्थूल करण हो गया सूक्ष्म इसका मालिक स्वामी, ताभ्याम समष्टि देहाभ्याम है ना, वो जो है समष्टि शरीर, समष्टि शरीर क्या है ताभ्याम, वो समष्टि शरीर कौन, समष्टि सूक्ष्म समष्टि स्थूल, इसी प्रकार यहाँ पे शब्द व्यष्टि स्थूल व्यष्टि सूक्ष्म कार्य और कर्ण शब्द के द्वारा बोला गया, कार्य और कर्ण शब्द के द्वारा व्यष्टि स्थूल व्यष्टि सूक्ष्म, ना व्यष्टि स्थूल कार्य है और व्यष्टि सूक्ष्म कर्ण है, ठीक है इसी प्रकार इसी और वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, समष्टि स्थूल समष्टि सूक्ष्म के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ इसीलिए बोलते हैं ताभ्याम व्यष्टि समष्टि देहाभ्याम अन्य अभ्युपगम्यते, ये भिन्न है पर यहाँ पे पूर्ववादी बोल रहे हैं उनका व्याख्या कर, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ये परिच्छिन्न रूप में दिखाई पड़ता है छोटा है, जिस प्रकार भारत के प्रेसिडेंट जो दिल्ली में बैठे हो उसका विराट क्षेत्र है, यहाँ पे मैं उसके साथ एक कैसे हो सकता हूँ, इस प्रकार से प्रशंका करने वाले बोलते हैं। बिल्कुल हम यही बोलते हैं उपाधि के साथ तुम कभी भी एक नहीं हो, परंतु हमारे यहाँ पे एक ही पूर्ण व्यापक, मैं पहले कई बार बोला इस चीज को, वेदांतिक सिद्धांत तो व्यष्टि को जोड़ करके समष्टि नहीं होता, समष्टि ही माया से परिच्छिन्न व्यष्टि रूप में दिखाई पड़ते हैं, मात्र अपनी समष्टिता पूर्णता में कभी कमी नहीं आया। तद एवं समष्टि व्यष्टित्वेन व्यवस्थित जीव भेदा, इस प्रकार से एक हो गया व्यष्टि शरीर, एक हो गया समष्टि शरीर, इस प्रकार से जीवात्मा भिन्न है, ये तो बात सही है। देखिए जो जीवात्मा यहाँ बैठ करके भोग कर रहा है और जो भी जीवात्मा सूर्य देवता बना हुआ है, दोनों जीव एक है क्या, वो जीव पहले कल्पों में कितना तपस्या किया है, जो इस समय मान लीजिए अग्नि देवता वायु देवता अथवा हिरण्यगर्भ देवता आदित्य मंडल के देवता रूप में बैठे, वो भी एक जीवात्मा था जैसा,
पूर्व कल्प में अच्छा तपस्या की उपासना की, आज वहां पे बैठा हुआ, तो वो अलग हम अलग, तो आप एक कैसे मानते हो उसको? उनकी पक्ष को लॉजिक तो देखिए आप, हमारे सिद्धांत को सबसे बड़ा है, जब पूर्ववादी के पक्ष में लिखेंगे पूरा उनके पक्ष लेकर के बोलेगा, जहां जितना जितना शंका है। इसलिए हमें बोलते हैं तद एवं तदा एवं, उस समय समष्टि व्यष्टिते न, समष्टि व्यष्टि रूप में व्यवस्थित जीव भेदा है ना, व्यवस्थित जीव व्यवस्थित है, इसलिए जीव भिन्न होने के कारण उक्तम एकत्तम अव्युक्तम, ये जो आपने कहा दोनों एक है, ये कथन आपका रूप विसंगत नहीं है, यहाँ तक पूर्ववादी है ना, ये एक्चुअली समझने जब नन को लेकर शुरू किया था, तब हम बोलते हैं हमारे समान रूप तक है काल्पनिक जीव भेद वास्तववा, आप जो जीव का भेद मान रहे हो ये औपाधिक भेद मानते हो अथवा पारमार्थिक मानते हो? औपाधिक ही हमारे सिद्धांत है, उपाधि भेद से काम चल जाता है। ऐसे होता है काल्पनिक जीव भेद वास्तववा इति विकल्प आद्यम अंगीकृत, ये जो औपाधिक भेद मानते हैं तो हमारे साथ कोई विरोध नहीं है, तो हम भी मानते हैं, हम भी बोल रहे देखो आदित्य मंडल में जो देवता बैठा हुआ है, यहाँ जो देवता बैठ करके सुनने पर रहे, तो जीवात्मा दोनों भिन्न है, औपाधिक भेद है, क्योंकि उसका अंतकरण उपाधि की भिन्नता है, वो अंतकरण पूर्व कल्प में उपासना के माध्यम से इतना शुद्ध है, इस समय जो है आदित्य मंडल में देवता बैठा हुआ है, और ये अंतकरण शुद्ध नहीं है, अभी साधन में लगा हुआ है। इस प्रकार से शुद्धि अशुद्धि अंतकरण के ऊपर निर्भर करके हम बोलते हैं, पर तो आत्मा में न शुद्धता है न अशुद्धता है, इसलिए आप बोलते हैं काल्पनिक जीव भेद वास्तव वैद्य विकल्प आत्म अंगीकृत, ठीक है, मतलब औपाधिक भेद है काल्पनिक भेद, ये तो हम मानते हैं। द्वितीयम दूषयति, जो सेकेंड बोला आपने की वास्तविक यदि मानोगे ये हमारे सिद्धांत नहीं है, न स्वत भेद अनभ्युपगमान, ठीक है ना, भाष्य में नहीं, भाष्य में देखे न मतलब क्या है, हम पारमार्थिक वास्तविक भेद नहीं मानते, इसे बोलते हैं न शब्द कटो है, स्वत मतलब अपने आप, आकाश में अपने आप कोई भेद कभी नहीं होता, होता क्या, आकाश उपाधि के कारण भेद की प्रतीति होती है, परंतु आकाश में भेद कभी नहीं, स्वतः मतलब अपने आप में भेद अनभ्युपगम, अपने आप में भेद को हमने नहीं माना, हमारी मान्यता नहीं है, इसीलिए आपने जो बुद्धि वास्तविक में मानते हैं तो हमारे साथ विरोध है, यदि उपाधि भेद मानते हैं बैठो हमारे साथ एक जगह बैठो, कोई असुविधा नहीं है। कैसे बोल रहे हैं आप, बोलते हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रुति बोलती है ऐसा, एक देव सर्वभूतेषु गुण सर्वभूत अंतरात्मा साक्षी चेता निर्गुण केवलस्य, शतशत उपनिषद, शतशत उपनिषद है, नंबर नहीं दिया ना, हमने भी नंबर लिख के नहीं लाया, मैं कल बता दूंगा, ये हमारे पास भी नया पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रिंटिंग बना है, उसे पढ़ने में सुविधा होती है, एक शतशत उपनिषद है, और ये श्लोक को भाष्य का ब्रह्मसूत्र में कितना बार उद्धृत किया देखना, एक देव सर्वभूतेश गुण सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा साक्षी चेता केवल निर्गुण शतशत उपनिषद की मत है। इसलिए केवल इतना ही नहीं, इस प्रकार श्रुति वाक्य से केवल श्रुति नहीं, स्मृति भी ऐसी बोलती है, कैसे बोलते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ठीक है ना, ये भगवद गीता 13:2 केवल वही पे भगवान श्री कृष्ण 13 के आगे अपने आप ही बोलते हैं, अभिभक्तम विभक्त विभक्तेषु विभक्तम इवच स्थितम, है ना, देखिए अभिभक्तम च भूतेषु, समस्त अलग अलग भूतों में वो एक भूत अलग अलग है, विभक्त है परंतु अभिभक्त है, इसे बोलते हैं विभक्तम इव च स्थितम, वो अभिभक्त होते हुए भी विभक्त हुआ जैसे इव वो विद्यमान प्रतीति होती है, इस प्रकार से स्मृति होने के कारण उपाधि के कारण भेद की प्रतीति होती है अध्यात्म आदिदेव में, परंतु पारमार्थिक भेद हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं है, स्मृति। तो यहाँ पे देखिए टीकाकार बोलते हैं एको ही परो देव सर्वेषु भूतेषु समष्टि, सर्वेषु एक देव और सर्वेषु भूतेषु, थोड़ा सा भूत गलती हो जाता है, ये जो ऊपर दूसरी लाइन है वो गीता की नहीं है ना, नहीं वो भी गीता की है 13:16 अभिभक्तम विभक्तेषु विभक्तम 13:16 अलग अलग है। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि एक ही परो देव सर्वेषु भूतेषु समष्टितेन व्यष्टितेन च समावृत्त तिष्ठति, ठीक है ना,
एक ही वो परम देवता श्रेष्ठ व्यापक तत्व स्वयं प्रकाश, परम मतलब श्रेष्ठ, देव मतलब स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश समस्त भूतों में समष्टितेन व्यष्टितेन च समष्टि व्यष्टि दोनों रूप में समावृत्त सम्वर्त सहावित्व करके तिष्ठति इति श्रवण इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण श्रुति में वस्तु तो भेद नास्ति, पारमार्थिक भेद नहीं है इति उक्तम हेतु साधयति। ये जो पहले हेतु करके आया था उसको यहाँ पे सिद्ध करके दिखा जाए, एक ही देव सर्वभूतेषु गुण इति स्थिते अधीन भी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटे कल देखेंगे, मैं यहाँ पे मतलब आपको समझ समझ के ही चलना पड़ेगा प्रत्येक शब्द को, और उसी को थोड़ा सा अकेला बैठ करके सोचना चाहिए क्या कहना चाहते हैं, तब आपको मांडव का लाभ मिल जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंको इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रज्ञा वैषमेध चुभित जलनिधे वेदनाम्नान्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नानि अविरत जननत्राह घोरे समुद्रे कारुण्यातु तदारमृतमिदं ममरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पुच्छाभिपुच्छं परमं गुरुमकमं पादपादेर्धमस्ये।